मुझसे छल किए जा। आप ही को वो आप मेरा फोन नहीं। तुम्हारे माथे पर क्या है? क्या है? टेंशन थी, उड़ा दी। कि अगर तुम्हें टेंशन में देखता हूं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इससे पहले कि और कुछ हो, हम हमारे हनीमून पे जा रहे हैं। सच्ची? हाँ, और वो भी प्राइवेट जेट से। क्या? प्राइवेट जेट? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा हनीमून तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग, कभी ना भूलने वाला लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो। मम्मी सही कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ, वरना आप जैसे दी सुपर बेस्टेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, मुझ जैसी पागल सौम्या को तो मिल ही नहीं सकता था। सौम्या मुझसे छल किए जाए, किए जाए, किए जाए। हनीमून, रियली? ये क्या नया गेम है तेरा? I mean, as far as I remember, जब तक तुम सौम्या को एक आज्ञाकारी और रिमोट कंट्रोल वाइफ नहीं बना लेते, तब तुम उसके साथ कोई कनेक्ट नहीं रखना चाहते। You're 100% right, पा। ये हनीमून का प्लान तो मुझे अचानक बनाना पड़ा। मतलब? मतलब ये पा कि सौम्या ने अचानक मुझ पर ऑफिस जाने का बॉम्ब फोड़ दिया, तो उस बात को वहीं के वहीं खत्म करने के लिए मुझे उस पर हनीमून कैंसलेशन का सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा, वरना हनीमून के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन हाँ, ये जो कुछ भी हुआ उसके बाद सौम्या गिल्टी जरूर फील कर रही होगी कि उसने वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड को थोड़ा सा मायूस कर दिया। मतलब तुम जाओगे हनीमून पे? शायद। और वहां अपने आप को दूर कैसे रखोगे? हनीमून चाम से। कम ऑन पा, क्या आपको रियली ऐसा लगता है कि मैंने, दी अरमान ओबरॉय ने, एक सिंपल ऑर्डिनरी लुकिंग मिस नोबडी से शादी इसलिए की बिकॉज आई फेल मैडली इन लव विद हर? नो, ऑफ कोर्स नॉट। मैंने सौम्या से शादी इसलिए की क्योंकि मुझे लगा कि वो एक आइडियल हाउसवाइफ बन सकती है, बिल्कुल वैसी जैसा मैं चाहता हूं। वो मेरी वाइफ है अब, एंड आई लाइक हर। लेकिन उससे दूर रहना मेरे लिए कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ने की तरह भी मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट मुझे अपनी विल पावर को टेस्ट करना अच्छा लगता है। मैंने अपने कपड़े रख लिए, आपके कपड़े रख लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स रख लिए। और कुछ है अरमान? हाँ, ये भी रख दो। दीजिए। और कुछ? और तो कपड़े हो गए। ओ या शूज तो रह ही गए। अच्छा, दे दीजिए ना, मैं रख देती हूँ। अरे यहीं कबर्ड में नीचे पड़े हैं, ले लो ना। अच्छा ठीक है। अरे इसमें से कौन से? ये वाले मेरे फेवरेट हैं, बट ये तो गंदे हैं। ओह गॉड, अभी तो इतना टाइम भी नहीं है कि इन्हें शूज स्पा में भेज दूं। तुम्हें शूज पॉलिश करने आते? हाँ। तो तुम कर दोगी पॉलिश? अरे बिल्कुल, इसमें पूछने की थोड़ी ना बात है। ऐसे चमका दूंगी ना आपके शू कि आपको लगेगा आप शोरूम से अभी लेकर आए हो। आपको पता है इंदौर में भी ना मैं ही पापा के शू पॉलिश करती थी। सौम्या, ऐसे शूज पॉलिश करते हुए ना बहुत क्यूट लग रही हो तुम। कुछ भी बोलते हो आप। यही सही काम है तुम्हारा। इनफैक्ट अब तुम्हें तुम्हारी सही जगह पे देख के लग रहा है कि बीवी बन रही हो तुम मेरी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.